आपके पास है बजाज फाइनेंस सर का ईएमआई कार्ड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप उसको परमानेंटली यानी कि हमेशा हमेशा के लिए कैसे उसको ब्लॉक कर सकते हो, बंद कर सकते हो। आज की वीडियो में सबसे आसान तरीका बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कस्टमर हेल्पलाइन से 5 मिनट में इसको परमानेंटली क्लोज कर सकते हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो आपको बजाज फाइनेंस का जो हेल्पलाइन नंबर है 8698010101 नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या साइड में दे रहा हूँ। अब आपको कांटेक्ट किस तरीके से करना है, कांटेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए क्या क्या आपको बताना होगा जिससे आपका कार्ड परमानेंटली बंद हो जाए। तो सिंपली आपको कॉल कर देना। बजाज फाइनेंस लिमिटेड में आपका स्वागत है। धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए 1 दबाएं, एक्सक्लूसिव ऑफर्स के लिए 2 दबाएं, अपनी लोन डिटेल्स के लिए 3 दबाएं, अपने ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लिए 4 दबाएं, अपनी पसंदीदा भाषा बदलने के लिए 5 दबाएं, अपने ईएमआई नेटवर्क कार्ड की विस्तृत जानकारी के लिए 1 दबाएं, अपने ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लॉस या ब्लॉक संबंधी सूचना देने के लिए 2 दबाएं, अपने लेटेस्ट ईएमआई का स्टेटस जानने के लिए 3 दबाएं, अपने लोन स्टेटमेंट प्राप्त करने या अपने ईएमआई नेटवर्क कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए 4 दबाएं, अपने लोन अकाउंट की जानकारी के लिए 5 दबाएं, अपने नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी अपडेट करने के लिए 2 दबाएं, हमारे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के लिए 3 दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपकी कॉल हमारे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कॉल ट्रेनिंग और गुणवत्ता कारणों से रिकॉर्ड की जा सकती है। गुड आफ्टरनून सर, बोलिए आपको किस प्रकार का सहायता कर सकते हैं। बजाज का ईएमआई का कार्ड बना हुआ है मेरा जी। तो सर ये कार्ड क्या है, यूज अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, तो इसको मेरे को क्या है कि बंद करना है, मतलब परमानेंटली क्लोज करना है इसको। ओके ओके, परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं आप? जी सर हाँ, क्योंकि अभी उसका यूज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल, मैं आपको इसके रिगार्डिंग सहायता करूंगा, आप निश्चित रहिए। उससे पहले सर कि मैं जान सकता हूँ अभी जो नंबर से आप कॉल किए है ना, ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही है क्या? हाँ सर यही नंबर है। जी एक बार आपका नाम कन्फर्म कीजिए। नाम बोलिए आपका? गौरव दवे। जी गौरव जी, आप ये जो बता रहे हैं आपका कार्ड को आप यूज नहीं कर रहे, इसी की वजह से आपका कार्ड को ना परमानेंटली बंद करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं आपको इसके रिगार्डिंग सहायता करूंगा, पर उसके लिए जी धन्यवाद सर आपका वैलेबल वेरिफिकेशन देने के लिए। जी सर यहाँ पे आपका कार्ड को मैं बंद करने के लिए रिक्वेस्ट ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं कार्ड को बंद कर दे रहा हूँ, आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा सर। ये परमानेंटली हो जाएगा ना? कार्ड बंद हो चुके जी, परमानेंटली हो जाएगा। अब ये कार्ड को फिर से यूज नहीं कर सकते, आप फिर से यूज करना होगा तो यूज करना चाहते हो तो आप हाँ। हमें कॉल करना होगा, आपका कंप्लीट वेरिफिकेशन लेना होगा हम फिर से, तब जाके आपका कार्ड को चालू कर सकते हैं, वरना आपका ये कार्ड को चालू नहीं कर सकते। इसका वो एनुअल तो नहीं लगेगा ना सर? चार्जेस तो नहीं लगेगा ना? एनुअल भी नहीं लगेगा, नहीं एनुअल चार्जेस भी नहीं लगेगा, आप निश्चित रह सकते हैं। तो इस तरीके से आप बजाज फाइनेंस कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक करवा सकते हो, यानी कि उसको बंद करवा सकते हो। बेसिकली आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा तो वो आपको बताना होगा। अगर आपके पास बजाज का एप्लीकेशन है तो आप बता दीजिए, या फिर उनको बता सकते हो कि बजाज का एप्लीकेशन हमारे पास नहीं है, तो वो कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ, नेम, तो वो बता दीजिए। उसके बाद आपका कार्ड परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, जो आपकी एनुअल फीस है वो भी आपकी नहीं लगने वाली। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए।